आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी चीज को करने के लिए उम्र कभी भी नहीं देखनी चाहिए। अमृतसर के नजदीक तरन तारण में जन्मी हरभजन कौर शादी के बाद अमृतसर लुधियाना में रही और करीब 10 साल पहले पति की मौत के बाद वे कुछ समय से अपनी बेटी रवीना के साथ चंडीगढ़ में रहने लगी। रवीना जानती थी कि माँ का जीवन अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक शाम भावुक हुई रवीना ने सामने बैठी माँ से पूछा, जिंदगी में मलाल तो नहीं है, कोई चाहत तो बाकी नहीं है, कहीं आने जाने या कुछ करने या कोई जगह देखने की इच्छा हो तो बता दीजिए। बिटिया माँ का मन टटोल रही थी। वो चाहती थी कि उम्र के इस पड़ाव पर माँ की अगर कोई ख्वाहिश बची है तो वो उसे पूरी कर सके। परंतु माँ ने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद रवीना को बिल्कुल भी नहीं थी। हरभजन कौर ने कहा कि बस एक ही मलाल है, मैंने इतनी लंबी उम्र गुजार दी और एक पैसा भी नहीं कमाया। रवीना स्तब्ध रह गई। 93 वर्ष की उम्र में माँ पैसे कमाने की इच्छा प्रकट कर रही थी जो असंभव सा जान पड़ता था, परंतु अब तो तीर कमान से निकल चुका था। माँ की इस ख्वाहिश को पूरा करने का निर्णय कर रवीना ने हरभजन जी से पूछा कि इस उम्र में आप क्या कर सकती हैं। जवाब जैसे कि तैयार था। चेहरे पर आत्मविश्वास से लबरेज हरभजन सिंह बोली, मैं बेसन की बर्फी बना सकती हूँ। घर में धीमी आंच पर भुने बेसन की मेरे हाथ की बर्फी को कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा। माँ का जवाब सुनते ही रवीना का गला भर आया। उनका आत्मविश्वास देख रवीना की आंखें छलक उठी। रवीना ने ऑर्गेनिक बाजार नामक एक संस्थान से संपर्क किया और उनसे बेसन की बर्फी की खरीदारी के विषय में बात की। 93 वर्षीय माँ के हाथ की बर्फी जब ऑर्गेनिक बाजार के कर्मचारियों ने चखी तो वो स्वाद और शुद्धता के मुरीद हो गए और माँ को उनका पहला ऑर्डर मिल गया। बर्फी बनाकर ऑर्गेनिक बाजार में भेजी गई, बदले में पेमेंट मिली। जब उनकी पहली कमाई को उनके हाथों में रखा गया तो 93 वर्षीय माँ के हाथ कांप उठे। आंखों से झरते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि दशकों से दिल में दबी ख्वाहिश पूरी हो गई। परंतु माँ तो माँ है। हरभजन जी ने पैसों को 3 हिस्सों में बांटा और अपनी पहली कमाई अपनी तीनों बेटियों के हाथों में सौंप दी। माँ की इच्छा तो पूरी हो गई, परंतु जिसने माँ के हाथ की बर्फी चखी उसकी इच्छा दोबारा चखने की हुई। ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। हरभजन जी ने भी कमर कस ली, जितना संभव हो सका उतना काम करने लगे। बर्फी का स्वाद चंडीगढ़ वासियों की जुबान पर ऐसा बैठा कि लोग माँ के हाथ बने इस मिष्ठान के मुरीद हो गए। आज माँ के हाथ की बनाई हुई बर्फी एक ब्रांड बन चुकी है। ब्रांड का नाम है हरभजन और टैगलाइन है, बचपन की याद आ जाए। कितनी ख्वाहिशें हैं जो हम सब सीने में दफन करके रखते हैं। हर सवाल किसी और से नहीं खुद से पूछने की जरूरत है। कितनी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस क्षणभंगुर जीवन में अगले सेकंड जीने की गारंटी नहीं है। 93 वर्षीय अम्मा से कुछ सीखना होगा। बेशक लजीज बर्फी बनाना ना सीख सकें, लेकिन दिल के कोने में दबी उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जज्बा और जुनून इनसे सीखना होगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.